नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल, चैनल नंबर 6 और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी के साथ हूं मैं रेणु भट्ट, आप सभी का स्वागत करती हूं। और डियर लर्नर्स एंड व्यूअर्स, लेट मी टेल यू द टॉपिक ऑफ दिस सेशन, दैट इज लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और आपको बहुत ही विस्तार से जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, जो इस वक्त भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पर पहले मैं आपको बता दूं कि ये साइंस के 6th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, आप हैं मिसेस वृत्तिका आनंद, आप वाइस प्रिंसिपल हैं फ्रॉम सेंट मार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच रेनू मैम। और बच्चों, अभी आपको टॉपिक पता चल गया है और आप हमारे विशेषज्ञ से भी मिल चुके हैं। इट्स टाइम फॉर यू टू पार्टिसिपेट इन दिस सेशन बिकॉज इट्स आर लाइव फोन इन सेशन। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा टेलीफोन नंबर है 8800440559। इधर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट आर ईमेल एड्रेस, दैट इज dth.class6@cieet.nic.in। और आप हमें अगर YouTube चैनल पर हमसे जुड़े हैं तो लाइव चैट बॉक्स पर जाएंगे और अपना कमेंट वहाँ पर ड्रॉप करेंगे। इन तीनों तरीकों से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी सभी बातें, अपने सभी क्वेरीज हमारे विशेषज्ञ के साथ आप साझा कर सकते हैं। तो मैम, बाय द टाइम हमारे लर्नर्स हमसे जुड़ते हैं, लेट्स मूव टूवर्ड्स यू और हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम आपसे ब्रीफ में बहुत ही रिकैप के बारे में जानना चाहेंगे, जो पिछला सेशन आपने लिया था। So yes, Renu ma'am, we are going to start with a small recap of what we did last time. And I'm sure our learners do remember that last time we talked about shadows, we talked about luminous and non-luminous bodies. We had discussed how things which have their, or the objects which have their own light, which emit their own light, like the sun and the stars, are called luminous objects, and the bodies which do not have the light of their own are non-luminous objects. For example, the chair, the wall behind me, and so many things, so on and so forth. We also talked about the distinction between transparent objects, translucent objects, and opaque objects. और उसके बाद हमने बात की थी shadow formation की, कि shadow कैसे form होती है। अगर एक source of light है, object है और screen है, और source of light से जब light उस object पर पड़ती है, the object obstructs the path of light, so screen पर हमें उसकी शैडो नजर आती है। हमने ये भी बात की कि किस तरह शैडोज मिसलीडिंग होती हैं, और ये भी हमने अपने बच्चों को बताया था कि किस तरह से यदि ऑब्जेक्ट पास जाता है स्क्रीन के या दूर जाता है, तो किस तरह से साइज जो है शैडो का वो चेंज होता है। और अगर हमारे बच्चों ने अभी तक ये एक्सपेरिमेंट घर पर करके नहीं देखा है, तो दे स्टिल हैव टाइम, दे कैन यू नो डू दिस एक्सपेरिमेंट एट होम एज वेल। श्योर मैम, हम ज़रूर आशा करते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, वो जो भी आप एक्टिविटीज़ बता रही हैं और जो घर पे कन्वीनियंटली की जा सकती हैं, वो ज़रूर करेंगे। मैम, हम इसी के साथ अपना सेशन शुरू करते हैं। शैल वी बिगिन? यस, श्योर। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन विद अ स्टोरी, और इस कहानी के बारे में मैंने पिछली सेशन में भी मेंशन किया था। तो ये कहानी है एक जंगल, ठीक है, और इस जंगल में एक जंगल का राजा है, वो है शेर, एंड दिस लायन इज अ फेरोशियस लायन, ओके, एंड द लायन हैज डिसाइडेड दैट ही इज गोइंग टू ईट ऑल द एनिमल्स इन द जंगल, एंड यू नो द ऑल द एनिमल्स आर सो स्केयर्ड ऑफ द किंग ऑफ द जंगल, दैट इज द लायन, दैट दे डिसाइड दैट दे आर गोइंग टू गो टू द लायन एवरी डे विदाउट फेल and will become prey, okay? इसका मतलब ये कि हर जानवर एक एक दिन करके राजा जो शेर है उसके पास जाएगा, और शेर जो है उस एनिमल को खा जाएगा। सो एक दिन बारी आई समझदार रैबिट की, और जो ये समझदार रैबिट था, ये जानबूझकर बहुत देर से शेर के पास गया। तब तक शेर बहुत गुस्से में था, इतने गुस्से में था कि अभी तक ये रैबिट मेरे पास नहीं आया है और मैं तो इसको खा जाने वाला था। एंड द मोमेंट रैबिट अराइव्स, द लायन इज एंग्री एंड ही सेज, लिटिल रैबिट, आई एम गोइंग टू ईट यू अप वेरी क्विकली, व्हाई आर यू लेट?
सो द रैबिट सेज दैट यू नो किंग, मैं तो आने ही वाला था आपके पास, लेकिन आपके तरह का एक दूसरा शेर जंगल में आ चुका है. और वो कहता है कि शेर और राजा मैं हूं, आप मेरे पास आओगे ना कि इस नकली शेर के पास. तो ये सुन के तो शेर को बहुत गुस्सा आ जाता है एंड ही इज वेरी एंग्री एंड ही सेज ओके टेल मी वेयर इज दैट अदर लायन ऑफ योर्स, लेट मी गो एंड सी एंड मीट हिम. सो द रैबिट सेज हाँ जी प्लीज आइए मैं आपको लेके जाता हूँ. तो रैबिट बहुत चालाक है, बहुत समझदार है. तो क्या करता है रैबिट, रैबिट उन्हें एक वेल के पास ले जाता है, एक कुएं के पास ले जाता है. और जैसे ही शेर अपने आप को अंदर देखता है, उन्हें अपनी रिफ्लेक्शन नजर आती है, उन्हें नजर आता है कि अंदर से भी एक उन्हें शेर की जो है प्रतिबिंब नजर आता है. तो जो शेर है वो क्या बोलता है अपनी रिफ्लेक्शन को, दैट सी आई एम द किंग ऑफ द जंगल, हु आर यू. तो अंदर से क्या आवाज आती है, आई एम द किंग ऑफ द जंगल, हु आर यू. सो दिस एग्रीवेट्स द लायन टू मच. और इस कहानी का अंत क्या है रेनो जी, आप मुझे बताइए. ये कहानी तो हम सब जानते हैं. यस मैम. क्या होगा? तो इस कहानी का अंत यह है कि शेर को गुस्सा आ जाता है, उसे लगता है कि सामने वाला शेर उसको चुनौती दे रहा है, उसे चैलेंज कर रहा है, तो वो उसी में कूद जाता है और पानी में डूब जाता है. बिल्कुल. सो शेर डूब गया और सब जानवरों ने बहुत खुशी मनाई और रैबिट की समझदारी में सबने ताली बजाई, सब बहुत खुश हुए. और यहाँ से हमने देखा फिजिक्स का, साइंस का एक बहुत ही प्यारा सा फिनोमेना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ इफ यू टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हमारे जो सिक्स स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो बहुत कुछ जानते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में. दे नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड द फर्स्ट थिंग दैट दे शुड नो इज कि रिफ्लेक्शन का जो मतलब है वो है लौट कर आना. जैसे कि आपके पास एक फुटबॉल है, हाँ, और मैंने उस फुटबॉल को, इफ आई किक द फुटबॉल एंड इट गोज टुवर्ड्स अ वॉल, तो जो फुटबॉल है वो वॉल की तरफ गई और हिट करके वो फुटबॉल कहाँ जाएगी, दीवार के पार तो नहीं चली जाएगी, वापस आएगी, वापस आ जाएगी. तो इसी तरह जो लाइट रेज होती हैं ये भी जब किसी ऑब्स्ट्रक्शन को स्ट्राइक करती हैं तो वापस आ जाती हैं. और इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग एवरीवेयर, ओके, बट इट इज हैपनिंग इन वेरियस मेजर्स, इट इज हैपनिंग इन वेरियस कंडीशंस. तो इसीलिए हम दीवार पर अपनी शक्ल नहीं देख पाते, लेकिन शीशे में अपनी शक्ल बिल्कुल देख पाते हैं. आप मुझे देख सकती हैं इसलिए क्योंकि जो लाइट मुझ पर पड़ रही है, इस ट्यूब लाइट की, वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पर पहुंच रही है. तो रिफ्लेक्शन का मतलब जानना जरूरी है और रिफ्लेक्शन का मतलब यही है दैट लाइट रेज आर गोइंग टू स्ट्राइक अ सर्फेस एंड दे आर गोइंग टू कम बैक इन द सेम मीडियम, वो टकरा कर वापस आ जाएंगी. तो इसी नोट पर वी आर गोइंग टू मूव अ लिटिल अहेड इन द सेशन. सो जैसा कि कहानी में भी था और जैसा कि अब आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, कभी कभी हमें अपनी शक्ल जो है बिल्कुल क्लियर किसी पानी में, जल की सतह पर नजर आती है. अब आपका ये सवाल हो सकता है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा नहीं होता, और जो रिफ्लेक्शन नजर भी आती है वो इतनी क्लियर नहीं होती, इतनी क्लैरिटी नहीं होती उसमें. उसके बहुत सारे कारण हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के बारे में और बात करेंगे तो हम यहाँ तक, इस सवाल के जवाब तक पहुंच पाएंगे. सो ऑफ कोर्स मिरर में जो हम देखते हैं, हम बहुत ही क्लैरिटी के साथ अपने आप को देख सकते हैं. यहाँ पे मुझे एक बात और याद आ रही है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इन लास्ट और प्रीवियस सेशन आपने एक सवाल भी पूछा था सभी लर्नर्स से कि मैं खिड़की के पास बैठी हूँ, यहाँ पर लाइट, ये ट्रांसपेरेंट है खिड़की, इसमें मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है. ऐसी कुछ बात भी उस समय हुई थी और ये सवाल बच्चों पर छोड़ दिया गया था कि इसका जवाब वो दें.
बिल्कुल, बहुत अच्छी मेमोरी है रेनू जी आपकी। तो सही कहा, हम उसी बात पे आ रहे थे और आपने मेरा काम थोड़ा सा आसान कर दिया। मैं यही कहने वाली थी कि लास्ट सेशन में भी हमने बच्चों को यही पूछा था कि आप ये बताएं कि ग्लास में क्यों नहीं और मिरर में ही क्यों। तो अपनी स्क्रीन्स पर ध्यान से देखें, हमने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं। वी हैव डिवाइडेड आवर स्क्रीन इन टू पार्ट्स, मिरर एंड अ ग्लास। तो ग्लास तो हमें सबको मालूम है कि क्या है, बट अगर इस ग्लास को मैं एक तरफ से पेंट कर दूंगी तो वो मिरर बन जाएगा। अब मैं उसे किसी भी चीज से पेंट कर सकती हूँ, ज्यादातर हम सिल्वर से, उसके एक एक सिल्वरिश पेंट से उसका सतह हम पेंट कर देते हैं, तो क्या होता है कि लाइट रेज जो है बहुत सुंदर तरीके से रिफ्लेक्ट होती हैं। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है, बच्चे ये पूछ सकते हैं, एंड आई एम श्योर बच्चों आपको ये पूछना भी चाहिए, इसका मतलब क्या ग्लास कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता? तो इसका आंसर है नहीं, ग्लास भी रिफ्लेक्ट करता है, मिरर भी रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ग्लास में से सारी बहुत सारी लाइट रेस पार हो जाती हैं, निकल जाती है, लेकिन मिरर से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है क्योंकि हमने पीछे पेंट कर दिया। तो क्या होता है, लाइट रेज जाती है और वापस आ जाती है। तो जो रिफ्लेक्शन है वो एक तरह की ब्यूटीफुल रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है और उसकी वजह से हम अपनी शक्ल जो है शीशे में देख सकते हैं। तो यही कारण है दैट वी कैन सी आवरसेल्व्स इन द ग्लास बट वी कैन नॉट, सॉरी, वी कैन नॉट सी आवरसेल्व्स इन द ग्लास बट वी कैन सी आवरसेल्व्स इन द मिरर। और बहुत बार मैंने क्लासरूम में बहुत ये नोटिस किया है कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स भी कराते हैं एक ग्लास स्ट्रिप से या मिरर स्ट्रिप से, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मिरर को ग्लास बोलते हैं, ग्लास को मिरर बोलते हैं। तो बच्चों अब आप हमेशा याद रखेंगे दैट देयर इज अ प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन अ ग्लास एंड अ मिरर, एंड बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन बोथ द ऑब्जेक्ट्स। सो जो लाइट रेज है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे उससे पहले कि हम यू नो थोड़ा और डिटेल में बात करें रिफ्लेक्शन के बारे में। सो हाउ डज लाइट ट्रेवल, इसके बारे में हमने ना पिछले सेशन में ये बात की थी, अगर बच्चों को याद होगा, वी हैड ऑल्सो डिस्कस्ड दैट यू नो देर आर मेनी एक्सपेरिमेंट्स, यू नो इफ यू जस्ट लाइट अप अ कैंडल और वहां पे तीन होल्स हो तो जो कैंडल लाइट है, यू नो जो फ्लेम है वो बिल्कुल नजर आती है, अगर आपको याद होगा हमने ये बात की थी। और हमने इसके बारे में बहुत चर्चा की थी दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सो लेकिन जो लाइट हमें कहीं, अब मैं ट्यूब लाइट की नीचे यहाँ बैठी हूँ तो मुझे तो कहीं कोई लाइन नहीं नजर आ रही है, वो इसलिए भी नहीं आ रही है क्योंकि अगर आप स्क्रीन पे देखें, अगर आप टॉर्च को इमेजिन करें तो टॉर्च से जब लाइट निकलती है तो इस तरह बाहर को फैलती हुई हमें नजर आती है। इसे हम यूं इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो बीम ऑफ लाइट है, इट इज एक्चुअली अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ मेनी रेज ऑफ लाइट। दैट मींस मेनी रेज ऑफ लाइट दे कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म अ बीम ऑफ लाइट। सो दैट इज हाउ लाइट ट्रेवल्स। नाउ इफ यू सी बीम ऑफ लाइट हमें कहाँ कहाँ और नजर आती है, बिल्कुल घर में जब सुबह होती है और अगर इफ इफ द कर्टन्स आर ड्रॉन और ऊपर वो जो रोशनदान है, उस रोशनदान में से जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, है ना, तो कभी कभी वो डस्ट पार्टिकल्स भी थोड़े 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 नजर आ रहे होते हैं और एक ब्यूटिफुल येलो रेज जो है कमरे में आती है, एंड यू नो दे जस्ट ब्राइटन अप योर डे एंड यू जस्ट स्माइल टू द सनलाइट। सो व्हाट आर दे, दैट इज नथिंग बट अ बीम ऑफ लाइट। ओके, एंड इफ यू लुक एट द अदर पिक्चर, द सेकंड पिक्चर ऑन द स्क्रीन, अब अगर आप इसको देखो, बहुत सारी कैनोपी ऑफ ट्रीज है, बहुत सारे पेड़ हैं और पेड़ों में से धूप जो है वो छनके आ रही है। अब जब धूप, अगर आप देखो ध्यान से, कहीं भी कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन, कटी फटी लाइन नहीं नजर आ रही है, सीधी सीधी रेखाएं नजर आ रही है, सीधी सीधी बीम ऑफ लाइट हमें आती हुई नजर आ रही है। सो अगेन यू नो स्लाइटली टेलिंग अस दैट लाइट इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन एंड व्हेन मेनी ऑफ दीज रेज they combine together, they form a beam of light. और बच्चों से भी ये कहना चाहूंगी और रेनू जी आपसे भी कि जो लाइट की जो नेचर है वो इतनी ब्यूटिफुल है।
आज हम 6th स्टैंडर्ड में रेज के बारे में पढ़ रहे हैं और सीधी सीधी तरह से इसको देख रहे हैं. व्हेन वी यू नो व्हेन वी गो टुवर्ड्स आवर सीनियर क्लासेस चिल्ड्रन, यू वुड बी अमेज्ड, यू वुड बी सो हैप्पी टू नो अबाउट हाउ व्हाट इज लाइट एंड हाउ इट ट्रांसमिट्स एंड व्हाट आर द सीक्रेट्स बिहाइंड यू नो दिस ब्यूटिफुल व्हाट शुड आई से गिफ्ट ऑफ गॉड. लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें छोटे छोटे हर्डल्स क्रॉस करने पड़ेंगे, तो अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वापस आएंगे इस जंगल में. तो ऐसा होता है कि यदि आप इस तरह से किसी जंगल में या किसी कैनोपी ऑफ ट्रीज के बीच में से निकल रहे हो, ऊपर कभी कभी पत्तों के ना छोटे छोटे जगह बन जाती है, और अगर आप जमीन पे देखो तो छोटे 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 गोल 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 सूरज जैसे छोटे छोटे गोल गोल नजर आते हैं जमीन पे. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना क्लियरली नहीं है, लेकिन इमेजिन करो कि ये जो पत्ते हैं पत्तों से ढका हुआ है और पत्तों के बीच में छोटी छोटी स्पेसेस होती है ना, जब सनलाइट आती है और जब जमीन पे पड़ती है तो छोटे छोटे से गोल स्पॉट से नजर आते हैं. सो इन नेचर दैट इज द वे हाउ अ पिन होल कैमरा वर्क्स. आई विल टॉक अबाउट द पिन होल कैमरा, बट अभी हम पहले थोड़ी सी रिफ्लेक्शन के बारे में और बात करते हैं. तो रिफ्लेक्शन कि जो मेन स्टडी बच्चों हम करते हैं वो हम मिरर्स के साथ स्टडी करते हैं. वो इसलिए क्योंकि जैसा मैंने कहा, रिफ्लेक्शन तो हर जगह हो रही है ना, लेकिन जो सबसे सटीक और सबसे ब्यूटीफुली और नोटिसेबल है वो है एक प्लेन मिरर. अपने स्क्रीन पर देखो, स्क्रीन में आप देख सकते हैं दैट देयर इज अ प्लेन मिरर, और इस मिरर के पीछे हमने एक 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 स्टैंड सा, एक लकड़ी का इसको स्टैंड करके इसको हमने खड़ा कर दिया है इस तरह, और यहाँ पर हमने एक एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट लिया है. एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है? देयर कैन बी टू सोर्सेस ऑफ लाइट. पॉइंट सोर्स मतलब बहुत छोटा सा एक्सटेंडेड सोर्स, जैसे समझ लो तुम्हारी ट्यूब लाइट है, और जैसे कि मान लो ये है थोड़ा सा लंबा सा सोर्स ऑफ लाइट है, और इसमें भी सेक्शंस हैं, इसमें भी तीन लाइंस हैं. जब इसमें से लाइट जाती है और मिरर पर स्ट्राइक करती है तो वापस इस तरह से आ जाती है. मुझे लगता है इससे सुंदर और इससे क्लियर डिपिक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं हो सकता. ये आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं, इसमें करना कुछ भी नहीं है. एक आपका लाइट सोर्स है और आप किसी भी अपने, इनफैक्ट आपकी जो टॉर्च लाइट होती है उसके ऊपर पेपर लगा के उसमें तीन कट्स दे सकते हैं और किसी भी मिरर के सामने ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. आप जरूर जब आप कट्स दे रहे हो उस पेपर पे तो बिल्कुल अपने एडल्ट सुपरविजन में कीजिए, बट देखा जाए तो ये बहुत ही एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है. आई रियली वांट यू टू यू नो स्टॉप हियर फॉर अ फ्यू सेकंड्स एंड ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग. दीज रेज आर कमिंग आउट ऑफ दिस सोर्स 1, 2 and 3. इट इज स्ट्राइकिंग द सर्फेस ऑफ द मिरर. And after striking the surface of the mirror, it comes back into the same medium. And this phenomena is known as reflection of light. यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात और है. The ray which is falling on the surface of the mirror is called the incident ray. And the ray which is reflecting back into the medium is called the reflected ray. So incident ray and the reflected ray, and hence again we are coming back to reflection. This is how reflection takes place in mirrors. Another you know way of testing this, ye ek aur aapke you know just aap apni lab mein experiment agar karna chahe to glass strip le sakte hain. Ye inke haath mein ek kangi hai, comb hai. Us comb ke sabhi you know the teeth of the comb has been covered by black paper, aur ek chhota sa usme wo chhod diya hai, ek opening chhod diya hai. Kangi to sabne dekhi hai na, hai na, kangi mein kitne sare, you know, there are teeth of the comb, kitne sare usme wo hote hain, hum kaise, you know, there are so many open spaces hote hain, hai na, to sab open spaces ko cover kar diya aur ek space ko chhod diya, to ye jo extended source of light hai, jo itni zyada light yahan se aa rahi hai, wo ban gayi ek choti si ray of light jo yahan se strike ki, aur aap dekh sakte hain similarly it strikes and it comes back to the same medium. Again talking about reflection of light.
Children, you should also know a little bit of nomenclature here. It is important. So, जब आप ये एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको सिर्फ टॉर्च लाइट नजर आती है, ये रे नजर आती है और ये वाली रे नजर आती है. इसके बीच में ये जो सीधी लाइन मैंने बनाई है ये एक इमेजिनरी लाइन है. इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल, क्योंकि ये लाइन जो है 90 डिग्रीज पर होती है. नाउ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस. The angle between the reflected ray and the normal is called the angle of reflection. And these two angles are always equal, which means that if this angle is 30 degrees, then angle of reflection is also 30 degrees. If this angle is 40 degrees, the angle of reflection is also 40 degrees. So, abhi hame kuch karna nahi hai, kuch sochna nahi hai. Agar maan lo main aapse poochu, haan ji, angle of incidence is 55 degrees. Come on, tell me, what is the angle of reflection? So, you will say it is 55 degrees. So, this is a rule. Ye aapko pata hona chahiye. In fact, rule se zyada ye ek law hai. It is the law of reflection of light, which says that angle of incidence is equal to angle of रिफ्लेक्शन. तो मिरर्स में जब हम बात करते हैं, लेटरल इन्वर्जन एक फिनोमेना है जो हम सबने नोटिस किया है. और उसका मतलब यह है कि जब हम अपना कोई दायां हाथ उठाते हैं तो वो बायां लगता है. जैसे कि मेरे पास और एक मिरर है और जब मैं इस मिरर में मैम आपका वीडियो हमें दिखाई नहीं दे रहा है. हम चाहते हैं कि आप अपना वीडियो ऑन करें. मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू सी मी नाउ? यस मैम. आई एम सो सॉरी फॉर द ग्लिच. सो आई थिंक वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ वी सी आवरसेल्व्स इन द मिरर. सो आई हैव दिस लिटिल मिरर विद मी. व्हाट आई वांट चिल्ड्रन, आप सबके घर में ऑफ कोर्स शीशा है, मिरर्स हैं. तो ये तो मैं छोटा सा मिरर इसलिए लेके आई क्योंकि जब मैं यहाँ पर कोई भी एक्शन करती हूँ, सेम एक्शन मुझे मिरर में नजर आता है लेकिन लिटरली इन्वर्ट होके. इसका मतलब यह है कि जब हम मिरर में अपने आप को देखते हैं तो दाई चीज बाई हो जाती है और बाई चीज दाई हो जाती है. दैट मीन्स लेफ्ट एंड राइट दे आर स्वॉप्ड. सो अगर फिर अच्छा तो अगर आपसे ये कोई पूछे कि जी बताइए व्हाट इज व्हेन यू सी योरसेल्फ इन द मिरर, व्हेन वी टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लेन मिरर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आप क्या बताएंगे कि इमेज जो है वो लिटरली इन्वर्ट हो गई, लेफ्ट राइट हो गया, राइट लेफ्ट हो गया. अच्छा इसमें एक और चीज है रेणु जी, क्योंकि मैं बच्चों से तो इंटरैक्ट नहीं कर सकती, आई एम श्योर मैं आपसे ये बात पूछ सकती हूँ कि क्या आपकी इमेज कभी छोटी या बड़ी नजर आती है आपको आपके फुल लेंथ मिरर में? मैम अपने जो अगर मैं शीशे की मिरर की बात करूं उसमें तो नहीं आती, लेकिन हाँ शीशे मैंने हाँ ऐसे देखे हाँ, जिसमें नजर आती है. हाँ तो उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, अभी प्लेन मिरर के बारे में बात करते हैं. तो प्लेन मिरर की खासियत ये भी है कि मेरा साइज और मेरी इमेज का साइज हमेशा सेम रहता है. तो दो बातें हमने आज यहाँ पर सीखी है. नंबर वन ये कि मेरा साइज और मेरी इमेज का साइज सेम है. दैट मीन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ द इमेज इज द सेम एंड द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, व्हिच मींस लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट. एंड एक और बात बिफोर आई टॉक अबाउट द पिन होल कैमरा वो ये है. यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 3 मिनट और बचे हैं सेशन के लिए. मैम 3 मिनट और बचे हैं तो बिल्कुल ये पिन होल कैमरा के बारे में बताना जरूरी है बच्चों को. मैं चाहती हूँ कि वो जरूर बनाए. उससे पहले एक और चीज बच्चों, आप शीशे के सामने खड़े होइएगा, एक स्टेप पीछे जाना और देखना तुम्हारी इमेज कितने स्टेप पीछे जाती है, फिर 2 स्टेप पीछे जाना और देखना तुम्हारी इमेज कितने स्टेप पीछे जाती है. उसमें एक अच्छी सीख चुकी है, फिर कभी बात करेंगे. आज पहले एक पिन होल कैमरा, क्योंकि मैंने स्पेशली बच्चों के लिए ये आज बनाया, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे भी घर में ये एक पिन होल कैमरा बनाए. और बनाने का तरीका बहुत ही आसान है. यू कैन रेफर टू एनी ऑफ योर बुक्स, यू कैन रेफर टू एनी ऑफ द यूट्यूब वीडियोस, एनी ओपन सोर्स, एंड यू कैन क्रिएट दिस कैमरा फॉर योरसेल्फ. इस कैमरा में कोई लेंस नहीं है और ये बहुत ही सस्ता और मामूली कैमरा है. इसमें हमने आप देखो एक पेपर से इस तरह का एक क्यूबॉइड बनाया है. बच्चों आपको पता है क्यूबॉइड क्या होता है? एक क्यूबॉइड बनाया और वैसा ही एक और क्यूबॉइड बनाया इस तरह से कि वो
छोटा क्यूबॉइड हो और उसके अंदर फिट हो जाए, तो मैं अपने आप को, और दोनों तरफ जो है वो ओपन है, दोनों का एक एक सरफेस ओपन है। मैं रिपीट कर रही हूँ, एक क्यूबॉइड बनाया, दूसरा क्यूबॉइड बनाया, इस तरह की एक दूसरे के अंदर वो फिट हो जाए, दोनों की एक दोनों साइड्स ओपन है। लेकिन ट्रिक पता है कहाँ है? ट्रिक है जो बड़ा वाला क्यूबॉइड है उसमें मैंने एक होल क्रिएट किया है। आई डोंट नो वेदर यू कैन सी इट और नॉट, बट आई हैव क्रिएटेड अ होल इन दैट। और जो दूसरा वाला, जो छोटा वाला क्यूबॉइड है ना, उसमें मैंने ये बटर पेपर लगाया है, बटर पेपर कह लो या आप इसको ट्रेसिंग पेपर कह लो, ठीक है। तो बस हमारा कैमरा रेडी है, इसको मैंने इसके अंदर फिट किया इस तरह से, यू नो यू जस्ट इंसर्ट। और जब मैं इस खुली वाली साइड से बाहर देख रही हूँ तो मुझे बाहर के पेड़ बिल्कुल क्लियर नजर आते हैं, मगर उल्टे। आई एम गेटिंग एन इनवर्टेड इमेज ऑफ ऑल द ट्रीज आउटसाइड। सो है ना ये मजेदार, वी हैव क्रिएटेड आवर ओन कैमरा विद जस्ट ब्लैक पेपर, बटर पेपर, एंड दैट्स अबाउट इट। एंड दिस इज द आई एम गिविंग यू चिल्ड्रन, ये आपका होमवर्क है। आप सब यू नो यू ऑल आर गोइंग टू मेक दिस कैमरा एट होम एंड सी इट्स आउटसाइड, राइट। और बहुत ही आसान ये एक्टिविटी है और हम ज़रूर चाहेंगे कि आप सभी बच्चे करें। हम सभी ने अपने स्कूल में ये सभी एक्टिविटीज़ की है और इसको बहुत इंजॉय भी किया है। और मैम अब समय यहीं पर पूरा होता है कि हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े, और आपने हमारे बच्चों को लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन पार्ट टू पर इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और डियर लर्नर, इससे पहले कि मैं ये सेशन यहीं पे वाइंड अप करूं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी राष्ट्रीय कला उत्सव के बारे में, जो 1 जनवरी से शुरू हो चुका है और आज समाप्त हो रहा है, समाप्ति के कगार पर है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर NCERT के सौजन्य से 1 से 12 जनवरी 2022 तक कला उत्सव आयोजित किया जा रहा है, यानी कि आज इसका आखिरी दिन है। आपको एक लिंक दिखाई दे रहा है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और इस कार्यक्रम का आनंद उठाना है। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद पर आप इस लिंक पर क्लिक करें और इस कार्यक्रम का आनंद उठाएं। और जितने भी बच्चे अपनी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं उन सभी के परफॉर्मेंसेस को आप इंजॉय करें और उनकी हौसला अफजाई करें। और इसी के साथ मैं रेणु भट्ट ले लेती हूँ आप सभी से इजाज़त। नमस्कार।